ओके आज का टॉपिक है रिलेशन, पर रिलेशन बताने के पहले हम बताता है पावर सेट, ठीक है? चेक करो, मान लो कैपिटल ए इक्वल टू 1,2x सेट, ठीक है? तो हम इसे सबसेट निकालता है, तो क्या ये वन सिंगल वन इसका सबसेट होगा कि इसमें वन है और इसमें भी वन है, हाँ या ना? हाँ फिर सिंगल टू ये भी इसका सबसेट होगा, फिर होगा वन और टू दोनों इसका सबसेट होगा, हाँ या ना? होगा ये दोनों उसमें, और एक एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, एम्प्टी सेट बोलता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, एम्प्टी सेट हमेशा सारा सेट्स का सबसेट होता है। तो तुमको पता चलेगा कि इस सेट का ये चार पॉसिबल सबसेट्स है, ठीक है? हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो बी इक्वल टू 1, 2, 3, तो इतना याद रखना 5 तो हमेशा सबसेट होगा कन्फर्म। अब एक एक एलिमेंट लेता है, पहले वन इसका सबसेट होगा, ये सिंगलटन टू होगा, फिर थ्री भी होगा। अब हम दो दो एलिमेंट करके ले लेता है, क्या 1,2 इसका सबसेट होगा, 1,3 भी होगा एंड 2,3 भी होगा। अब तीन तीन करके लेता है जो कि ये खुद है बी, तो तुम देखो कितना सबसेट मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ या ना? तो इसी का कलेक्शन को, जब कलेक्शन बना के एक बड़ा सेट बनाएगा, इसी को पावर सेट बोलता है, इसी को पावर सेट बोलता है, यानी कि पी ऑफ कैपिटल ए, इसी को बोलता है पी ऑफ कैपिटल ए, कुछ नहीं। तो पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, ठीक है? गुड आउट। नहीं अब देखो मान लो इसमें दो एलिमेंट है, मान लो कि इसमें दो एलिमेंट है, कैसे आया हाँ क्या बोलो? लास्ट में बी कैसे आया। अच्छा तीनों एलिमेंट लेगा तो 1, 2, 3 नहीं हुआ क्या? हाँ ये तो बी है ना, सर बी का भी ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता, हाँ मतलब मतलब बी बी का का 2, 3, 1 वैसे करके और 3 बन जाएगा ना नहीं वैसे, नहीं मतलब अगर लगाएगा एक तो सेट में एक एलिमेंट एक बार लिखता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर वो लोग सेम है, मतलब 1, 2, 3 सेट एंड 3, 2, 1 सेट, ये दोनों सेट सेम है, ये अलग अलग सेट नहीं है। 3, 1, 2 अरे वो भी और सेम। एलिमेंट सेम होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में वो फर्क नहीं पड़ता, तो वो सेम सेट माना जाएगा, अच्छा एलिमेंट सेम सबका होना अलग चाहिए। अलग ही नियम होता, किसी का ऐसा भी मैटर करता जैसे अपना वो प्रोबेबिलिटी में भी आता है, फिर इसमें हाँ क्यों नहीं होता। गलत अरे टॉपिक अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। अरे चलो बात है ना, एक जगह सब चीज ठीक सेम ही होना चाहिए फिर तो ठीक पूरा है डन, अभी ओवरऑल। देखो डन, तो इसी को हम बी लिख दिया ना, बिकॉज ये बी खुद है, आया ना? ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकता है इसका दो सबसेट तो मिलेगा, एक फाइव और एक बी, ये दो के अलावा बाकी हमको मिल रहा है जो हम निकाल के दिखा दें, ठीक है? गुड आउट। तो इसी को जब कलेक्ट कर लेगा वो बन जाता पावर सेट, तो यानी कि पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितना भी सबसेट बन सकता हम बना लिया, वही मेरा पावर सेट है। तुम देख सकता है इस पावर सेट में चार एलिमेंट है, मतलब 2 स्क्वायर, इस पावर सेट में 8 एलिमेंट है, मतलब 2 क्यूब, इसलिए लास्ट क्लास में तुमको याद है हम 2 पावर n इस्तेमाल किया था। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? 2 पावर n। गुड आउट। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकता है। हाँ सर, हाँ सर अब तो रिलेशन भी इसी पावर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो सॉरी, जैसे कि मान लो एक सेट ए हमको पता होगा, जैसे कि बुक में क्या एग्जांपल लिया, ठीक है हम अपना एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, बी हम ले लिया 2, 4, 6, और हम ऐसे लिखते हैं एक सेट बना रहे हैं ए क्रॉस बी, हम ऐसा करें देखो 1,2, 2,4, 3,6, हम सिर्फ ये तीन लिया, सॉरी ए क्रॉस भी नहीं, एक एक सेट बनाया आर जिसमें हम लिखा 1,2, 2,4, 3,6, और सिर्फ यही तीन एलिमेंट लिया और नहीं लिया, क्या ये एक रिलेशन है? मतलब तुमको ये देखना है क्या एक्स और वाई किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, क्या रिश्ता है? तुम देख सकता है, तुम चेक करो क्या वाई इक्वल टू 2x नहीं हो रहा है, 1 का डबल 2,
टू का डबल फोर, थ्री का डबल सिक्स, हाँ या ना, तो ये भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है। तो रिलेशन वही है जहाँ पे एक्स और वाई का बीच में रिश्ता ढूंढ रहा है, सिंपल लैंग्वेज वही है। रिलेशन कलेक्शन ऑफ ऑल पेयर्स, जितना भी पेयर्स मिल रहा मिलो, पर एक्स और वाई का बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जो हर जगह रहेगा, रिलेशन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री सब में यूज होगा। अच्छा, सेट एक बेसिक है, जैसे हम लोग बचपन में एबीसीडी पढ़ लिया, अब नाम लिखने में सब कुछ लिखने में इस्तेमाल नहीं करता है, वैसे सेट यूज होगा। अच्छा, इसलिए जहाँ जहाँ आएगा हम दोबारा समझा देगा। अच्छा ठीक है, टेंशन मत, जब तक तुम लोगों को प्रॉपरली नहीं करवा सकता। अब देखो एक और रिलेशन हम लेता है, हम ये रफली लिख रहा है, इस रिलेशन क्या था, y इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ऐसे लिखे तो ऐसे भी लिख सकता, और x कोमा वाई सच डेट y इक्वल टू टू एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। यो क्या लिखने का तरीका, ठीक है, x को y पेयर में लिख दिया और हम लिख दिया जी x कहाँ पे है और y कहाँ पे है और दोनों का बीच का रिश्ता क्या है, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा भैया, हमें ये सेट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से हमने लिया है। हाँ, ऑब्वियसली x और y कहाँ से बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, हम एक और लेते हैं, हम एक और लेते हैं, नेचुरल नंबर्स बोले तो नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे हम a और b पे काम कर रहे हैं। अच्छा ओके, यहाँ जो चल रहा है a और b का ऊपर चल रहा है। ठीक, हम एक और लेते हैं, x को y such that x less than y and x belongs to a, y belongs to b। हम एक और रिश्ता ले लिया, अब बताओ इसमें क्या क्या आने का चांस है। 1,2, 1,4, 1,6, 2,4, 2,6, 3,4, 3,6। अच्छा, 1,2, 1,4, 1,6 आएगा, क्यों? क्योंकि 1 less than 2, 1 less than 4, 1 less than 6 है। वेरी गुड, अब बताना क्या 2,2 आएगा? नहीं आएगा। ये भी एक रिलेशन हो गया, कोई डाउट? नहीं। समझ जा प्रिया आदित्य, प्रिया आदित्य समझा? हेलो आदित्य, हाँ सर, समझ गया ना? ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, तो तुमको कुछ लग गलत वो ऐसा नहीं दिख रहा, ये पेयर वाला सेट ऑलरेडी तुम लोग पहले लिख चुका है लास्ट क्लास में, ए क्रॉस बी का फॉर्म में लिखा ना, ए क्रॉस बी का फॉर्म में। हाँ हाँ लिखा। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता है क्या मिलेगा, हम बताते हैं, 1,4, 1,6, 2,2, 2,4, 2,6, 3,2, 3,4, 3,6। हम एक और हम एक काम करते आर वन आर टू और एक और डिफाइन करते आर थ्री, ये सिर्फ 2,2 लिया, क्यों? इसका मतलब यह है जब y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तम तीन रिलेशन डिफाइन किया, एक जहाँ पे y इक्वल टू टू एक्स है, दूसरा जहाँ x लेस देन y है, और तीसरा x इक्वल टू y है। और इसके बाद हम तुमको a क्रॉस b निकाल के दिखाया। हाँ, अब तुम देखो क्या r1 r2 r3 a क्रॉस b का सबसेट है? क्या r1 r2 r3 a क्रॉस b का सबसेट है? हाँ या ना, खुद ऑब्जर्व करिए। है, है, है? हाँ। पक्का? और ए क्रॉस बी किसी भी सेट का सबसेट निकालना आता है नहीं आता हम लोगों को? आता है। तो हम जब बोलेगा क्या सिर्फ आर वन आर टू आर थ्री ये तीन ही पॉसिबल सबसेट है या और भी निकाल सकता है? और भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम बोलेगा नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी क्या हुआ, टू पावर, ये कितना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, मतलब टू पावर नाइन, मतलब 512
यानी कि ए क्रॉस बी का 512 सबसेट्स है, और अभी हम देखा कि ए क्रॉस बी का सबसेट ही रिलेशन है, तो मतलब इस ए और इस बी में हम कितना रिलेशन बना सकता है, 512 रिलेशन। तो रिलेशन कुछ और नहीं, ए क्रॉस बी का सबसेट ही है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नो डाउट। नहीं ये रिलेशन कुछ और नहीं, ए क्रॉस बी का सबसेट ही है। कुछ पूछ रहा हूं ये तुम, यहां तो 25 से ज्यादा नहीं दिख रहा है। तुमको क्यों 25 से ज्यादा नहीं दिख रहा, हम तुमको बताता है इसमें 9 एलिमेंट्स है। हां 9 सबसेट तो हम तुमको दिखा देता है, 1, 2 सिंगल सिंगल लेके, पहले तुम सिंगल सिंगल लेके 9 बना दो, ये एक सबसेट है। सिंगल सिंगल रिलीज तो 8 ही बनेगा ना, 2 तो रिपीट हो रहा है। कौन सा 2 रिपीट हो रहा है? 2 तो रिपीट हो रहा है ना। कौन सा 2, 2 नहीं है, जैसे मान लीजिए सिंगल सिंगल लिया 1, 2 नहीं नहीं वैसे नहीं, सिंगल सिंगल ये सिंगल ये एक ये हम इसका सबसेट देख रहे हैं। अच्छा तो ये एक होगा, सिंगल लेगा सिंगल सिंगल, फिर 2 2 करके लो, फिर 3 3 करके लो, फिर 4 4 करके लो, फिर 5 5 करके लो, फिर 6 6 करके लो, 7 7 करके लो, 8 8 करके लो, तो ऑटोमेटिकली 512 बनेगा। इतना निकालना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है मतलब टाइम कंज्यूमिंग। हां बन तो जाएगा, बन जाएगा। जैसे इसमें देखो हम ऊपर में एग्जांपल लेते ना, कौन सा देखो, 2 था तो 4 बन गया, 3 था तो 9 बना, 8 बना, 4 होने से 2 पावर 4 16 बनेगा, 5 एलिमेंट होने से 2 पावर 5 कितना 32। तुम तो 25 निकाल पाया, 5 में अगर 32 आ रहा है, यहाँ तो 9 एलिमेंट है तो बनेगा। तुम बस उल्टा उल्टा कॉम्बिनेशन ले रहे हो, तुम सीधे ले लो, पहले एक एक करके लो, फिर 2 2 करके लो, फिर 3 3 एलिमेंट करके लो, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। पर इतना नहीं चाहिए, हम क्या क्या लिया देखो, हम लिया है R1 जिसमें 3 एलिमेंट था। अब जरूर थोड़ी है 3 एलिमेंट का यही पॉसिबल है, बहुत सारा पॉसिबल है, कुछ भी 3 ले लो, ये ले लो 1 2 1 4 1 6 हो गया, ये भी एक रिलेशन बन जाएगा 3 एलिमेंट में। हम बस एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट्स है वही मेरा रिलेशन है, इट इज नथिंग जस्ट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 पावर n, या ऐसे हम तुमको दिखा देता, देखो मान लो n ऑफ a में p एलिमेंट्स है, n ऑफ b में q एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली n ऑफ a क्रॉस b में कितना होगा, pq 2q, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टू द पावर pq। समझ गया कोई डाउट? नहीं। फिर काम करो स्टार्टिंग से ऐसे, ये एग्जांपल के साथ ही नोट लिखते जाओ, पूरा उतारो एग्जांपल से, हेडिंग देना रिलेशन और एग्जांपल से उतारो। ये हम भी उतारे? हाँ क्यों, मतलब कि आपने तो हमें सबसेट्स वाला टॉपिक करवा लिया था ना, हम ऊपर से उतारने नहीं देना, ये उतारने देना रिलेशन से। हेडिंग क्या था? हेडिंग रिलेशन है। हो गया, हाँ आप स्क्रॉल डाउन करेगा तब बोलना। हाँ रिलेशन इज, रुको रुको नहीं कर रहा हूँ स्क्रॉल, हम बस बोल रहा, तुम लोग लिखते जाओ सुनते जाओ। तो रिलेशन कुछ नहीं है बल्कि ए क्रॉस बी का ऑल पॉसिबल सबसेट्स, हम इसलिए पावर सेट पहले बता दिया तुमको जो सबसेट्स कैसे निकाल रहे हैं, पर हम लोग यहाँ सबसेट निकाल के दिखाना नहीं है, हम बस मीनिंग के लिए बताया था कि रिलेशन क्या होता है। अगर तुम ए क्रॉस बी का सिर्फ सबसेट निकालेगा पेयर में 1, 2 A1, 4 इस टाइप का, तो वही मेरा रिलेशन बनेगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो भैया हम लोग यहाँ पे जो कंडीशंस जो लिया कि है ना y is equal to 2x, ये हम अपना मर्जी से लिया, हमको क्या रिलेशन चाहिए। अब एक क्रॉस बी से, एक क्रॉस बी से हमको कुछ एलिमेंट्स उठाना है, वो मेरा मर्जी से हम उठाएगा ना, हमको क्या रिश्ता चाहिए। मतलब उसका बेसिकली ये हो गया कि हम लोग रिलेशन को फिल्टर कर रहे हैं। हाँ फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, हमको जैसा रिक्वायर्ड है। पर याद रखना ये जो भी रिलेशन है ये इस ए और इस बी पे है, डिपेंड करेगा ए और बी में क्या है वो भी देखना, कैपिटल ए और कैपिटल बी में क्या उस पे भी डिपेंड करेगा। पर नॉर्मल वही हम लोग फिल्टर आउट कर रहा है मेरा रिक्वायरमेंट, हम ऐसे भी ले सकते हैं। एक और रिलेशन हम बताता है, देखना ये उतार लो फिर हम बताता है, हम एक और रिलेशन बताता है, तुम लोग बताना निकलेगा नहीं निकलेगा। ये हो गया सबका लिखना? नहीं लिख लो, हम पॉज कर रहे हैं।
चलो देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ जैसे कि हम बोल रहे हैं आर फोर, तुम्हें खुद एलिमेंट्स बताना बेस्ड ऑन ए क्रॉस बी, एक्स को वाई सच डेट वाई माइनस ए एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। अभी जो हम अपना केस क्या ले लिया कि वाई माइनस एक्स दो से बड़ा होना चाहिए, बताओ ए क्रॉस बी में देखो ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें y माइनस एक्स टू से बड़ा है, 6.3 सीधे ले जाओ पहले 4.1 1.4 2.6 3.6 इतना तो और है कोई बस ये चार एलिमेंट आ गया। तो मतलब कैसा भी रिलेशन हम बना सकता है वो हम पे डिपेंड करता है, कोई डाउट नहीं पक्का सबको व्योम हाँ। आई होप ये नीचे वाला भी लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो ये एक मिनट लिखो साथ साथ आर फोर नहीं लिखना है हो जाएगा वो तो बस बताने के लिए बताया, बुक में डेफिनेशन दिया हुआ रिलेशन का देखो तो रिलेशन क्या हुआ जस्ट दो सेट का बीच का रिश्ता और कुछ नहीं। यहाँ खाली ये लाइन लिख दूँ, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये डेफिनेशन लिखो बस इतना है और मत लिखना। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वही हम तुम लोगों को समझाया भी ठीक है ना। अच्छा भैया मान लो कि एक है ना जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, मान लीजिए एक सेट फाई है और दूसरा में नंबर्स है या दूसरा में वैल्यूज है, तो उसका जो रिलेशन होगा वो फाई आएगा या फिर क्या आएगा ना, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, फाई आएगा ना हाँ, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो भैया हम बताने वाला है कि ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट रिलेशन एंड फाई इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, सबसे छोटा रिलेशन जो बन सकता है वो फाई जिसमें कुछ है ही नहीं और सबसे बड़ा रिलेशन बनेगा खुद ए क्रॉस बी जिससे सब कुछ है सब पॉसिबिलिटीज है ठीक है ना। तो नोट में वही लिखना, जब नोट लिखेगा इसके बाद नोट पॉइंट नंबर वन ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट रिलेशन, ए क्रॉस बी द लार्जेस्ट रिलेशन, फाई इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, लिख लो अब ऐसे डिनोट करता आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे डिनोट करता देखो R double dot is a relation from A to B, ऐसे denote करता है ठीक है। कोई डाउट लास्ट में क्या बोला समझ में नहीं आया, R हम जो बोले ना R is a relation from A to B, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं R is a relation from A to B, R is a relation from A to B ऐसे लिखता है। Then ए को बोलता डोमेन ऑफ आर, यानी कि एक्स जितना भी एलिमेंट्स ए का है उसको क्या बोलता है डोमेन, और बी भैया को वापस बताना मेरा नेटवर्क इशू हो गया था वो डोमेन हम फिर से बता रहे हैं वो आर इज आर सच दैट यू नो आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसे लिखते हैं मतलब रिटन फॉर्म ऐसा है आर डबल डॉट ए डॉट माने ए टू बी ए एरो मार्क बी
तो आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखता है, ठीक है। ए से बी, अच्छा हां हां ठीक है। फिर ए क्या डिनोट करता है? ए को बोलता डोमेन ऑफ आर और बी को बोलता को डोमेन ऑफ आर। डोमेन मतलब जिससे हम लोग रिलेशन बना रहे और जिसके साथ बना रहे उसको को डोमेन बोलते हैं, मतलब जिससे एलिमेंट ले रहा वो हो गया डोमेन और जिससे हम लोग बना रहा उसको बोलता को डोमेन, ठीक है। हां तो सेट ए होता डोमेन, सेट बी होता कोडोमेन। कोड आउट नहीं भैया, ये लिखा है? हाँ लिख लिया। पक्का? हाँ हो। ओके हम व्हाइट बोर्ड में स्विच कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक नया सेट लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। ये हो गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बी हो गया 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब इनफिनिटी तक जा रहा है ना, जा रहा है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकता है ट्वाइस एन, इसको सिंपली एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। और बी को हम लोग ट्वाइस एन भी लिख सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है, अब हम आर डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा हम लिख पहले लिख लेते हैं एक्स कोमा वाई सच डेट वाई इक्वल टू 2x एंड वाई लेस देन 10, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। हमने डिफाइन कर दिया कि एक्स ए में है वाई बी में है, ठीक है। बता सके क्या क्या आएगा? वन कॉमा टू, 2.4, 3.6, 4.8 और आएगा नहीं, 5.10 नहीं आएगा बिकॉज वाई लेस देन 10, ठीक है। स्वयं हाँ सर, डाउट नहीं, पक्का? हाँ हाँ अब देखो इसमें बोलता डोमेन क्या होगा, व्हाट इज डोमेन ऑफ आर? 1 2 3 4 वन टू थ्री फोर, किस किस एलिमेंट को हम लोग लिया है, अच्छा ठीक है। कोडोमेन क्या होगा? 2 4 6 एंड नहीं, कोडोमेन पूरा का पूरा बी है, मतलब अच्छा जिससे पूरा सेट बी है, कैसे भैया? कैसे नहीं, डेफिनेशन ही वो है, यहाँ पे देखो बुक में भी लिखा होगा, देखो द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन हम क्या बोला, जिसका हम लोग जिसको हम लोग ले रहा है रिलेशन के लिए वो डोमेन है, यानी कि जो जो एलिमेंट्स को हम लोग जितना भी एक्स है वो हो गया डोमेन, पर होल सेट बी को क्या बोलता है? अच्छा पूरा, जैसे इसमें हम लोग का सेट है, हम लोग कंसीडर क्यों नहीं किया फिर डोमेन के लिए? नहीं, हम लोग उसी को ले रहा है जिसका हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग रिलेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। डोमेन ऑफ आर वही है जिसका हम लोग रिलेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब भैया जो है ना इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है, हाँ वो कोडोमेन हो गया, हाँ ये फिक्स्ड है। हम बी हमेशा कोडोमेन होता है, बी एक ऐसा सेट, कोडोमेन एक ऐसा सेट है जहाँ से हम लोग अपना इमेज ढूंढ रहे हैं। हम ये चीज बोल देते हैं, याद रखना नोट में, जो सेकंड एलिमेंट है वाई को, वाई इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स, तब से हम हर बार इमेज बोलेगा, वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। अगर एक्स मेरा ऑब्जेक्ट है तो वाई क्या है? इमेज है, ठीक है। तब देखो एक रिलेशन में ऑब्जेक्ट मैटर करता है, तो ऑब्जेक्ट वही है जो हम लोग ले रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज द डोमेन,
जिसका हम लोग इमेज निकालने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जो इमेज का कलेक्शन उसको रेंज बोलता है, क्या जो इमेज का कलेक्शन उसको रेंज बोलता है। देखो 2, 4, 6, 8 ये हो गया रेंज, यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज को रेंज बोलता है, ठीक है। वैसे हमको स्क्रीन दिख नहीं रहा, रेंज ऑफ आर 2, 4, 6, 8 तो ऑब्जेक्ट का इमेज को क्या बोलता है, रेंज। अच्छा, और ये रेंज कोडमेन का सबसेट है, मतलब कोडमेन वो हो गया जहां से इमेज लाया गया है। तो भैया हमने डोमेन ऑफ आर में हमने क्यों नहीं लिया पूरा सेट ऑफ ए, क्योंकि हमको बाकी एलिमेंट से मतलब ही नहीं है जिसका हम इमेज नहीं ले रहे ना। अच्छा, मतलब बेसिकली जिसको हम लोग इमेज ले रहे हो वो हम लोग का डोमेन होगा, और जिससे ले रहे हैं वो पूरा कोड डोमेन होगा, और जो जो रेट है वो उसका रेंज होगा। एग्जैक्टली, मतलब डोमेन वो है जिसका हम लोग इमेज निकाल रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट को बोल रहे हैं ना कि हाँ y रिजल्ट होगा x का। हाँ, रेंज हो गया रिजल्ट, यानी कि इमेज, यानी कि जब एक रिलेशन x को y आ रहा है, ये x हो गया डोमेन, y हो गया रेंज। पर ये y को कहाँ से लाया गया है, यूजुअली b से लाया गया ना, इस b को कोडोमेन बोलता है, ठीक है। गुड आउट, एंड रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्लियर। अब ठीक है, सबको क्लियर है। देखो आपका घटिया था हैंडराइटिंग को भी हम लोग क्या क्या मान लेते हैं। और ये जो सी और उसके नीचे आई है वो क्या है, कहाँ पे सी का नीचे आई है, सबसेट है। ओ, सबसेट। अच्छा, ये सबसेट का सिंबल है, तुम्हें वो नहीं मालूम। अच्छा, ये हो गया सबसेट का सिंबल, ये हो गया प्रॉपर सबसेट। ये इक्वल, ये इक्वल को भी दर्शाता है, जैसे लेस देन इक्वल नहीं बोलता है। हाँ, ऐसे मतलब ये रेंज कोड डोमेन का अंदर भी हो सकता है, कोड डोमेन के बराबर भी हो सकता है। भैया सुनो ना, आप इन लोग को जब कराएगा ना सेट्स, तो हमको बोलना, ठीक है। हम कोई कोई लेक्चर में ज्वाइन करेगा तो मेरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डोमेन हो गया x का एलिमेंट, रेंज हो गया y का एलिमेंट, कोडमेन हो गया जहां से y आया है, यानी कि सेट b, खत्म। और कुछ नहीं, सेट b है कोडमेन, ठीक है। डन, आगे बढ़े। हाँ भैया, ठीक है। अब आते एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या, रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हम एग्जांपल 7 से लेके समझाते हैं, एग्जांपल 7 लो। क्या बोला एग्जांपल 7 देखो, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब यहाँ पे ए और ए का बीच में ही चल रहा है, यानी कि एक्स वाई दोनों कहाँ पे है, ए में लाई करता है। तो ऐसे रिलेशन ऑन ए भी बोलता है, फ्रॉम ए टू ए को ऑन ए भी बोलता है। जब अगर ऑन ए बोला है ना, मतलब ए टू ए है, ठीक है। ओके भैया, ए रिलेशन आर ऑन ए, लिखना तो लिख लो, ए रिलेशन आर ऑन ए, इसका मतलब क्या है, आर फ्रॉम ए टू ए ही है। ऑन ए का मतलब ए से ए तक ही, खुद पे है। ऑन ए मतलब ए का रिलेशन ए से ही, खुद से। गुड आउट, ठीक है ना। तो फ्रॉम ए टू ए बोलो या ऑन ए बोलो, मीनिंग वही एक ही है। यहाँ पे बोल ही दिया, क्या दिया, वाई टू एक्स प्लस वन, मतलब वाई एक्स एक ज्यादा है। ऑब्वियस बात है, देखो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो 7 का 1 लिखो डायरेक्टली, r इक्वल टू ये पहले लिखना, गिवन a इतना और r इतना, ये उतारना, गिवन a एंड r, उसका लिखो नंबर 1 देखिए, ये r इक्वल टू, ठीक है। ओके सबको, हाँ भैया समझ गए। या हाँ बोलो, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता है, लेट ए इज इक्वल टू ये वाला सेट और बी इज इक्वल टू और एक सेट देता है, जिस वो जिसमें लिख देता है वो बिलोंग टू इंटीजर। हां, तो डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, हां,
तो उसमें हम लोग है ना ऐसे लिखता है क्या, 1.2 से लेके 6.7 तक। हाँ उससे आगे नहीं बढ़ता बिकॉज एक्स तो 6 तक ही है ना, अच्छा तो 6.7 बिकॉज एक्स लिमिट हो गया तो फिर वाई कहाँ से निकलेगा, समझ रहा है? हाँ अब देखो इसमें नंबर टू आर हम निकालना है। नंबर वन क्या बोला, डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम के लिए हम लोग ऐसे बनाता है, ये ए ये भी ए, तो सारा एलिमेंट लिख लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। देखो बोथ साइड लिखना है, अब बस एरो बनाना है और कुछ नहीं। पहला पेयर क्या था, 1.2, तो 1 को 2 से जोड़ दिया एरो। दूसरा 2.3, तो 2 को 3 से मार्क कर दिया। 3.4, 4.5, 5.6, खत्म। ठीक है, अभी से डोमेन क्या होगा, जो जो ऑब्जेक्ट है मतलब 1 से 5, 5 तक, रेंज क्या होगा 2 से 6, 6 ये तक, वाई का वैल्यू है। और पूरा का पूरा सेट ए क्या होगा, कोडोमेन, समझिए खत्म। यानी कि भैया। एक्स का वैल्यू डोमेन और वाई का वैल्यू रेंज और कोडोमेन क्या है, पूरा पूरा ए जो क्वेश्चन में गिवन है। देखो उतार लो, किसी को डाउट है तो फिर पूछ सकता है। एक चीज पूछे। हाँ पूछो अच्छा कुछ नहीं, छोड़ो, मैंने पूछ लो। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था। नहीं नहीं भैया, हो गया। ठीक है, सबको उतार लिया। नहीं, वापस एक बार समझा था क्या समझाना बताओ, पूरा पूरा ही, मतलब ये बात था कुछ में नहीं, क्या जो बताना है, क्या रिलेशन आर निकालना सब कुछ। डायग्राम वाला जो वो बता रहा था। डायग्राम में कुछ नहीं किया, एक तरफ ए और एक तरफ बी, मतलब ए का ही सेट लिखा 1 2 3 4 5 6। देखो इस तरफ देखो, इसमें देखो, एक में ए उतारा और यहाँ भी ए उतारा बिकॉज ए ऑन ए है। अब पेयर क्या था, 1.2 है, मतलब 1 का 2 के साथ रिश्ता, इसलिए 1 को 2 से जोड़ा। देखो फिर था 2.3, मतलब 2 का 3 के साथ रिश्ता है, तो 2 3, वैसे 3 4 4 5, 5 6, खत्म। ये बनाने देता है क्या? अच्छा हाँ सब्जेक्ट में बोर्ड में, इलेवन में बोर्ड नहीं है। मतलब स्कूल बेसिस हो। अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे एरो डायग्राम दे दिया है, तो तुमको रिलेशन पता है क्या है, एक 9.3 या 9.-3 है ना। रूट तो पहले आर उतार लो क्या है, सेट बिल्डर और रोस्टर दोनों लिखने दिया। सेट बिल्डर हो गया जहाँ पे एक्स कोमा वाई लिखता है, रोस्टर हो गया जहाँ पे एलिमेंट्स लिखता है, ये सेट में मिला है ऑलरेडी। तो स्वयं एंड आदित्य और व्योम देख लो, सेट बिल्डर मतलब जहाँ एक्स वाई का फॉर्म में लिखता है, रोस्टर मतलब जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स लिखता है। ठीक है, हाँ अच्छा अब यहाँ देखो, पहले रोस्टर ही देख लो, यहाँ पे दिख ही रहा है 9.3 है, 9.-3 है या नहीं। देखो हाँ पहला पेयर आ गया 9.3, 9.3। दूसरा क्या है, 4.2 एंड 4.-2, 25.5 एंड 25.-5। ठीक है आया ना, तो आर क्या है, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ या ना, चेक करो, जहाँ पे एक्स पी में है वाई क्यू में है, चेक करो, ये तो हो रहा है। जब भी तुम वाई का स्क्वायर करेगा वो एक्स बन रहा है। देखो 3 का स्क्वायर 9, -3 का भी स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। ठीक है, डाउट। नहीं। अब डोमेन ऑब्वियस सा बात है, क्या होगा 9 4 एंड 25, देखो 4 9 25 लिख दिया, कोई डाउट। रेंज क्या होगा, 3 -3, 2 -2, 5 -5 लिख दिया, देखो कोई डाउट। और कोडोमेन क्या होगा, एंटायर क्यू, जो 1 तो किसी से जुड़ा हुआ है ही नहीं पी में, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो क्यू हो गया एंटायर कोडोमेन, मतलब कोडोमेन हो गया एंटायर क्यू। कोई डाउट किसी को भी, तुम लोग देखिएगा ये नोट ऑलरेडी हम लिखा चुका है, ये नोट ऑलरेडी हम लिखा चुका है।
तो एग्जांपल एट में किसी को डाउट? आया ना? नहीं सर। अब एग्जांपल नाइन वही फॉर्मूला बेस है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो ए क्रॉस में टू, ए क्रॉस बी में कितना होगा? चार होगा, टू इंटू टू, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? टू पावर फोर। क्या ये हमको बताने की जरूरत है? रिमार्क देखो, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज ए रिलेशन ऑन ए, हम अभी बता चुका था ये। कोई डाउट? चेक कर लो यहाँ तक, डाउट है तो बोलो, हम बताएगा भैया। इसको ऐसे करना जरूरी है कि जैसे इसमें ए दिया हुआ है वन और टू, बी दिया हुआ है थ्री और फोर, तो उनको दिख रहा है दोनों में दो दो सेट ही है, तो हम लोग डायरेक्ट फोर नहीं लिख सकता? हाँ डायरेक्ट ही लिखेगा ना, सीधा लिखो ना। नहीं जैसे इन लोग दिए ना सेट सा लिखा है कॉमन सी, टू पावर टू इनटू टू पीछे 16 खत्म, टू पावर पी क्यू टू फॉर्मूला ही है ना, लिखो डायरेक्ट 16। ऑब्वियस बात है आज का जमाना में ये एमसीक्यू में सब्जेक्ट में तो डालेगा नहीं, किसमें डालेगा? हाँ भैया मैं यही पूछ रहा था, एनसीईआरटी का जो लेवल है लो कैसा क्वेश्चंस डालेगा? इजी क्वेश्चन डालेगा, टेंशन मतलब जब एग्जाम देगा पता चल जाएगा, जब हम टेस्ट लेगा तब भी तुमको पता चल जाएगा। अच्छा आप टेस्ट लेगा तो? क्यों नहीं लेगा? नहीं लेना चाहिए? हाँ ना भैया लेना चाहिए, आपका 10th का टेस्ट तो याद ही आता है भैया। टेस्ट तो लेगा ही ना, टेस्ट लेगा तो पता चल जाएगा। हम आगे बढ़े, कंटिन्यू करें? हाँ सर। आप देखो पहले लिखो नंबर वन, लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज कितना है ये? 2.2। अपना अपना बुक खोल लेना कृपया करके। नंबर वन गिवेन, क्या गिवेन है? ए इक्वल टू 1 से 14 तक, 1, 2, 3 डॉट 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 14 तक। फिर निकालने क्या दिया है? अच्छा आर दिया हुआ, एक्स कोमा वाई, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x-y इक्वल टू 0। ऑब्वियसली एक्स बिलोंग्स टू ए, अच्छा दोनों ए हैं, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखना। एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए सच दैट आर इक्वल टू, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए सच दैट आर इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब निकालने दिया है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, पहले आर निकाल लेते हैं हम लोग। देयरफॉर आर इक्वल टू सीधा है, क्या ये वाई इक्वल टू 3x बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो मतलब क्या होगा? 1, 3 3, 1 एक्स का वैल्यू 1 बिठाएगा तभी तो वाई 3 होगा। अच्छे से देखो, अच्छा हां तुमको एक्स का वैल्यू बैठाते जाना है, एक्स का वैल्यू 1 बिठाओ, एक्स का वैल्यू 2 तो 2.6, 3.9, 4.12, 5. नहीं होगा ना, नहीं होगा तो बस क्या 15 तुम्हारे पास है? 15 नहीं, नहीं नहीं तो 4.12 तक ही आंसर है। कोई डाउट? सो देयरफॉर डोमेन ऑफ आर, जिसको सिंबल में डी सफिक एक्स भी डिनोट करता है, डी सफिक आर क्या है? 1, 2, 3, 4। कोई डाउट? रेंज ऑफ आर, जिसको कैपिटल आर, चलो इसका सिंबल मतलब मिक्स हो जाएगा, इक्वल टू, तो देखिएगा 3, 6, 9 एंड 12। और को डोमेन एंटायर ए है, यानी को डोमेन का एंटायर ए है, खत्म। ये तो निकालने दिया, चेक करो किसी को डाउट? चेक कर लोगा सबको लिख दिया? हाँ लिख दिया। नीचे जाएं हम? एक मिनट।
उतार लो, कोई बात नहीं। लिख लिया सब लोग? नंबर टू देखो क्या गिवन है। आर इज ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, मतलब आर इज ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन सच डेट, क्या बोला देखो, सच डेट आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स कोमा वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स कोमा वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव कोमा, क्या वाई लेस देन फोर बोला है? अच्छा एक्स लेस देन फोर बोला है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन फोर कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन, खत्म। चेक करो कोई डाउट, क्या क्वेश्चन में ये गिवन है, एक बार चेक करो अपना बुक से। आर क्या एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, बट एक्स क्या लेस देन फोर है और दोनों नेचुरल नंबर है, सो देयरफॉर आर क्या होगा देखो, एक्स का वैल्यू वन लेगा तो वन कोमा सिक्स, टू कोमा सेवन, थ्री कोमा एट, खत्म। और कुछ होगा नहीं, फिर क्या बोला है, टैपिंग दिस रिलेशन, अच्छा राइट डाउन द डोमेन इन रेंज, खत्म। द डोमेन ऑफ आर वन टू थ्री, वन टू थ्री, किसी को कोई डाउट नहीं। रेंज ऑफ आर क्या होगा, सिक्स सेवन एट, और कोई डोमेन पूछता तो क्या लिखता, पूरा एंटायर, पूरा एंटायर है, कोई डाउट किसी को भी उतार लो देखो, कुछ था ही नहीं, ठीक है। चेक करो कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो उतारो, हम पॉज कर रहे हैं। नंबर थ्री देखो क्या बोला, नंबर थ्री ए इक्वल टू वन टू थ्री फाइव, बी इक्वल फोर सिक्स नाइन, लिखो गिवन ए इक्वल टू वन टू थ्री फाइव, बी इक्वल टू फोर सिक्स नाइन, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, R is a relation from A to B such that R equal to x comma y, अच्छा x comma y such that क्या बोला, the difference between x and y is odd, हाँ या ना, कैसे बोला x या y कौन बड़ा कौन छोटा कुछ बोला है या तो तुम पूरा स्टेटमेंट लिखो, डिफाइन बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, पूरा स्टेटमेंट लिखो, या फिर हम मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू इज ऑड लिख देते ना, तो इससे छोटा बड़ा का फर्क पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे ऑड का मतलब क्या होता है, अंदर निगेटिव भी क्या हो जाता है पॉजिटिव, क्यों वहां पे बोला नहीं था एक्स वाई, एक्स बड़ा होगा या छोटा होगा, मतलब कोई भी माइनस हो सकता है, एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, वाई माइनस एक्स भी हो सकता हो सकता है, इसलिए मॉड एक्स माइनस वाई लिख दिया, या फिर पूरा स्टेटमेंट लिखो द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, ठीक है ओके। हां हां बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, अब देखो किस किस में माइनस करने से ऑड आ रहा है, एक तो 1,4 में आ रहा है, 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1 कुछ भी ले लो, तो 1,4 होगा तो 4,1, अच्छा 4,1 क्यों होगा सॉरी, फिर ए टू बी है ना, हां 1,6 आ रहा है ऑड, 1 को 9 तो नहीं होगा, वो नहीं होगा, 2,4 भी नहीं होगा, 2,6 भी नहीं होगा, 2,9 होगा, ऑब्वियस बात है, ऑड आने के लिए एक इवन एक ऑड होना पड़ेगा, समझ रहा है, 3,6 आएगा, पर 3,9 नहीं होगा, 5,6, बस, तो यही एलिमेंट है, समझ गया, हाँ भैया, ये इसको x माइनस y को मॉड्यूलस में क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे बोला है क्या x y से माइनस हो रहा है y माइनस x से हो रहा है, कुछ बोला है, बोला
हम y माइनस एक्स करेगा क्यों? हम लोग तो x माइनस y करेंगे क्योंकि a टू b रिलेशन है. हाँ x माइनस y, सॉरी a ऑन, अगर ऑन a होता ना a टू a तब लिखता हम लोग, ठीक है. चलो नंबर फोर देखो, फोर यहीं पे आ जाएगा. ये डायग्राम तुम लोग बनाने का जरूरत नहीं है बेकार का. क्या बोला है? सेट बिल्डर फॉर्म. तुमको देख के पता चल रहा है 5 3 6 4 7 5 तो हम बोल सकता है x इज y प्लस 2 आया ना. चेक करो क्या यही रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, आया ना. चेक करो खुद से. भैया ये भी जो दो तीन क्वेश्चन बताया ऐसे में डायग्राम बनाना था. नहीं क्वेश्चन में बोला ही नहीं है. लाइट चला गया. आज का क्लास इतना ही रखता है बिकॉज मेरा लैन जा चुका है लाइट जाने की वजह से, तो कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है. ये जो करवा रहा था वो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेगा.